छोटे बच्चे को दूध पिला रही हथनी के लिए सेहतमंद और पौष्टिक खुराक बनाए रखना जरूरी है। बहुत छोटे होने के बावजूद नियो जैसे बच्चे रोज अपनी माँ का लगभग 12 लीटर दूध पी सकते हैं और तकरीबन 2 साल की उम्र तक वे इसी पोषण पर निर्भर करते हैं। माँ का दूध हासिल करने के लिए बच्चे अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इतनी छोटी उम्र में इनकी सूंड की मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं होती कि ये उसे बड़े हाथियों की तरह इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को अपनी सूंड के इस्तेमाल को नियंत्रित करने का तरीका सीखने में कई महीने लग जाते हैं। ये सीखते समय इसे पता चलेगा कि सूंड कई सामाजिक क्रियाकलापों में भी अहम भूमिका निभाती है, जैसे अभिवादन करने में, एक दूसरे को सहलाने में और माँ और बच्चे के बीच प्यार दुलार में। माँ का दूध छोड़ने पर हाथी के बच्चों का पहला ठोस आहार घास और नर्म पौधों का होता है। सूंड को कारगर ढंग से चलाने का तरीका विकसित करने में वक्त लगता है, लेकिन आमतौर पर दिन भर खाने में व्यस्त रहने वाले हाथी इसमें माहिर हो जाते हैं।